आपके लिए लाई हूँ आम का पन्ना। गर्मियों का मौसम है और ये आम का पन्ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लू वगैरह नहीं लगती है और पीने में भी बहुत टेस्टी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये 4-5 ये साबुत आम ले लिए थे और थोड़े से मेरे पास कटे हुए भी रखे थे, वो भी मैंने यूज़ कर लिए। इसमें बस बॉईल करना है अच्छे से ताकि इनका सारा पल्प है ये हाथों से निकल जाए। बस ये ध्यान रखना कि हाथों को अच्छे से धो लेना और अच्छे से फिर उनका गूदा बाहर निकाल लेना पल्प, फिर उसको अच्छे से आपको छान लेना है। और इसमें क्या है, 2-3 गिलास पानी डाल करके, ये मैं 5 सदस्यों के लिए बना रही हूँ घर के। सारा मैंने पल्प निकाल लिया है, मिक्सर जार में अब मैं डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरे पास में पुदीना रखा हुआ था सूखा हुआ, आजकल पुदीना बहुत अच्छा चल रहा है तो वो मैंने सूखा लिया था। और सौंफ डाल दिए ये मैंने, पुदीना डाल दिया है, सौंफ डाल दिए और ये चीनी मैंने स्वाद के अनुसार डाली हुई है। अगर आप डायबिटिक हो तो फिर आप चीनी कम डाल सकते हैं, अगर आपको ठीक मीठा पीना है तो आप डाल सकते हैं। और इसमें ये मैंने पल्प डाल दिया है, पानी इसमें मैंने 2-3 गिलास बढ़ा दिया था ताकि ये 5 लोगों के लिए हो जाए। और ये मैंने काली मिर्च डाली हुई है, काली मिर्च भी डालेंगे इसमें, और इसमें काला नमक भी जाएगा, थोड़ा सा मैंने सफ़ेद नमक भी डाला है। अब इसको हम चला लेंगे, एक बार अच्छे से चला लेंगे मिक्सर जार में ताकि ये सारा मिल जाए। अब इसको सर्व करेंगे, सर्विंग के लिए बहुत जल्दी ये बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। ये सर्विंग के लिए रेडी है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसको ठंडा पीना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और अगर जल्दी पीना है तो आप इसमें क्यूब्स डाल लें, ठंडा ठंडा आप सर्व कर सकते हैं। टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।